हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनुराग मोहन भटनागर, अ फिफ्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा एंड एन अन अकेडमी एजुकेटर, एंड यू आर वॉचिंग लॉक्यूपाई। तो भाई, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम काफ़ी कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट की बात करेंगे जो भी हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अराउंड रहता है, विच इज द करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज सेक्शन। ठीक है, तो भाई काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं भाई लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी थे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, कि भाई स्ट्रैटेजी जी के इंपॉर्टेंट है क्या, क्या हम वो स्किप कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग हमारे लिए ज़रूरी है क्या, हमें वो रोज़ करनी चाहिए क्या, बैकलॉग का क्या होगा अगर हमारा बैकलॉग है 3-4 महीने का, तो फिर भाई नोट्स बनाना करंट अफेयर्स के वो हमारे लिए ज़रूरी है क्या। सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ स्किप मत करना, एंड तक देखना। अगर ज़्यादा ही टाइम की कमी है तो भाई इसको स्पीड बढ़ा के देख लो, 1.5x पे देख लो, बट प्लीज़ स्किप मत करना। इसको हमने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि आपके सारे पार्ट्स कवर हो जाएं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई अब स्टैटिक जीके की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारी वीडियो का, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म्स हैव बीन ओपन 1 जुलाई से। ये वीडियो मैं 2 जुलाई को बना रहा हूँ, तो येस्टरडे से फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। तो भाई ऑफिशियली तुम लोगों के लिए टाइम आ चुका है कि यू हैव टू गेयर अप। ठीक है, अब स्टैटिक जीके की बात करें भाई, तो प्लीज़ अपने दिमाग में, अगर तुम्हारे दिमाग में ये वहम है कि स्टैटिक जीके तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तो प्लीज़ इसको निकाल देना। ठीक है, बिल्कुल पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्लैट, एलेट, स्लैट, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम, हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में तुमसे स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। ठीक है, क्लैट की बात करें तो 28 to 32 क्वेश्चन आएंगे एज पर द न्यू एग्जाम पैटर्न। ठीक है, 32 विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन और 28 मिनिमम क्वेश्चन होंगे इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके। ठीक है, बट भाई यहाँ पे ये चीज़ समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक जीके तुम्हें कोई ऐसा डायरेक्ट फ्रॉम स्क्रैच नहीं पढ़ना है। ठीक है, कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं दोबारा से। ठीक है, वो ऐसे डिटेल्ड मैनर में तुम्हें स्टैटिक जीके नहीं पढ़ना है। अगर मैं किसी एग्जाम्पल की बात करूँ, तो तुमसे कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला है कि अंकोर वाट टेम्पल जो है कंबोडिया में वो किसने बनाया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लैट 2023 का एग्जाम्पल लें, तो तब एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ऊपर। द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट बनी थी, तो उसका एक पैसेज दिया गया था, और फिर उसके बाद शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वेन वॉज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो समझ रहे हो, ऐसे रिलेट करके तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कोई अगर करंट इवेंट है उससे रिलेट कर दी जाएगी कोई एक पास्ट इवेंट, और तुमसे पूछा जाएगा, और उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक है, स्टैटिक जीके से याद आया कि मेरा एक अनअकैडमी पे कोर्स भी चल रहा है, स्पेशल क्लास का कोर्स है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, आप लोग जो भी वो कोर्स करना चाहते हैं वो जाके कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वो स्पेशल कोर्स है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, कोई भी जाके उसको कर सकता है। इसके अलावा स्टैटिक जीके का ही वो कोर्स है, अभी हमने जुलाई का मंथ उसमें स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग काफ़ी जल्दी प्लस और यूट्यूब कोर्सेज स्टार्ट करेंगे अन अकेडमी पर, तो उसके लिए भी आप मेरी प्रोफाइल जाके फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी पर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लेना। ठीक है, दैट वुड ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल भाई, जो 2023 के क्लैट का हमने एग्जाम्पल लिया, आई होप उससे काफ़ी क्लियर हो चुकी होंगी चीज़ें। ठीक है, अब भाई बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की, जो हमारा सेकेंड पार्ट है इस पर्टिकुलर वीडियो का। तो भाई ऑब्वियसली आप सब के बेनिफिट के लिए प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर कोई भी तुम्हें आके बोल रहा है कि तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ भाई उसकी बात मत सुनना, इनफैक्ट उसको खुद बोलना कि भाई तू भी पढ़ ले न्यूज़पेपर। ठीक है, अब भाई आई नो कि काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं अभी जो काम कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट्स हैं काफ़ी अच्छे रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि आपको कंसोलिडेटेड वे में 2-3 पेजेस के न्यूज़ दे देते हैं, इवेंट्स दे देते हैं, जिससे आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट भाई पर्सनली अगर मुझसे कोई आके पूछेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, तुम वो कंसोलिडेटेड चीज़ भी ले सकते हो, कोई उसमें दो राय नहीं है, मतलब कोई उसमें बुराई नहीं है, तुम ले सकते हो, पढ़ सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, जितना पढ़ोगे उतना तुम्हें फ़ायदा होगा। बट भाई न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि भाई तुम खुद देखो ना, तुम्हें सिर्फ वो करंट अफेयर्स में हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम्हें वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, पर्सनली अगर मैं खुद की बात करूँ, मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक थी। ठीक है, एंड मेरी मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ने से काफ़ी हेल्प मिली एज फार एज क्लैट एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, तो आई विल जस्ट से दिस कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना प्लीज़ मत छोड़ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे को बहुत टाइम लग रहा है न्यूज़पेपर पढ़ने में, बहुत एफर्ट जा रहा है, तो भाई अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को टाइम करना स्टार्ट कर दो।
टाइम करना मतलब 45 मिनट्स खुद से वादा कर दो एकदम कि भाई सिर्फ 45 मिनट्स लूंगा मैं, या फिर मैं 45 मिनट्स में ही लूंगी और 45 मिनट्स में खत्म कर दूंगा मैं न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। तो जब तुम ये खुद से वादा कर दोगे ना, तो भाई तुम्हारी ईगो आ जाएगी प्ले में, और जैसे ही ईगो आती है वो भाई फिर तुम्हारे फेवर में ही होता है सारा काम, ठीक है। तो भाई न्यूज़पेपर पढ़ना प्लीज स्टार्ट कर दो, अगर नहीं करते हो तो अभी भी टाइम है, 4-5 महीने अभी भी बचे हैं तुम्हारे पास। 2 जुलाई है, जुलाई जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफी अच्छी बात है, प्लीज कैरी ऑन, ठीक है। अब जनरली भाई मैं कह रहा हूं, मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो न्यूज काफी बार आ रही है न्यूज़पेपर्स में उसके पूछे जाने के काफी चांसेस हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का, ऑब्वियसली कई बार आई थी वो न्यूज़पेपर में, तो जो भी न्यूज अगर आ रही है बार बार हर रोज आ रही है, जैसे रफेल डील आई थी काफी बार आई थी न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो जो चीज बार बार आ रही है न्यूज़पेपर में गाइस उसके पूछे जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्लैट 2023 में ही फीफा का जो रेनबो आर्म बैंड रूल था उसको, उसके वायलेशन के बारे में पूछी गई थी एक चीज, ठीक है, जर्मनी और जापान के मैच में जो 2022 वर्ल्ड कप में हुआ था, ठीक है। तो अब भाई वो स्पोर्ट्स न्यूज में कवर की गई होगी, और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक ही दिन वो कवर की गई होगी, बट स्टिल उसको पूछ लिया क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो मैं मतलब ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बता रहा हूँ कि देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि भाई जो चीज बार बार आ रही है वो आ ही जाएगी न्यूज़पेपर में, बट हाँ 80% ऑफ द टाइम अगर वो चीज बार बार आ रही है तो प्लीज आप उसको पढ़िए। ऐसा मत सोचना कि भाई मैंने कल पढ़ लिया था आज आई है न्यूज़पेपर में तो आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज हो सकता है उसमें कुछ और एडिशनल चीजें लिखी हो जो आपके बेनिफिट के लिए ही काम आएगी। तो प्लीज भाई अगर वो आ रही है न्यूज़पेपर में तो प्लीज उसको हर बार नए न्यूज़पेपर में पढ़ो, ठीक है। पढ़ना मत छोड़ना ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि भाई हाँ हम पढ़ लेंगे, हमने पहले दिन पढ़ लिया था, ठीक है। अब भाई बात करें थर्ड पार्ट की, जो कि हमारा है बैकलॉग का पार्ट। तो भाई कमिंग टू बैकलॉग, मतलब मैं इसको ज्यादा स्ट्रेस करके नहीं बोल सकता हूँ, बट भाई प्लीज बैठ के नोट्स बनाना बंद कर दो बैकलॉग के, अगर तुम बनाते हो तो। मतलब रोज जो नोट्स बनाते हैं भाई तुम्हारा वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा, और तुम्हारे बैकलॉग के चक्कर में काफी तुम्हें दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। रोज तुम नोट्स बनाओ, मतलब जैसे अगर मैं आज बैठा हूँ नोट्स बनाने, जुलाई 2 को मैं नोट्स बनाने बैठा हूँ, तो मैं जुलाई 2 के ही नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। मेरा जो जनवरी से लेके जून तक का बैकलॉग है उसके मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, उसके हम हर रोज जाके क्विजेस देंगे, ठीक है। क्विजेस देने से पहले एक मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण नाम की, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हैं, नेशनल मैगजीन है वो, काफी मेरे लिए तो काफी हेल्पफुल थी, मैंने हर वीडियो में उसके बारे में बात करी है अपने चैनल पे, ठीक है। मैंने खुद यूज कर रखी है वो मैगजीन, और मेरे लिए काफी हेल्पफुल थी वो, मेरा 1-2 महीने का बैकलॉग था ज्यादा से ज्यादा, उससे वो कवर हो गया था, ठीक है। बट अगर 3-4 महीने का भी होगा तो भी भाई कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो मैगजीन ले आओ और उसको रोज पढ़ना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा 1 महीने के अंदर जितना भी बैकलॉग है 3-4 महीने का कवर हो जाएगा, आई कैन वाउच फॉर दैट, ठीक है। जब तुम वो मैगजीन पढ़ लोगे उसके बाद तुम अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, जीके टुडे हो गई, जागरण जोश हो गई, अफेयर्स क्लाउड हो गई, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके तुम क्विजेस दोगे जब उस पर्टिकुलर मंथ के, तो तुम्हारा बैकलॉग अपने आप क्लियर होने लगेगा। फिर जब तुम्हारे वो मॉक्स में आएंगे क्वेश्चन तब भी तुम्हारा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बैकलॉग तुम्हारा खत्म हो जाएगा विद इन अ मंथ और सो, ठीक है। अब भाई बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है हमारी नोट मेकिंग की। तो भाई नोट मेकिंग पे मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बना रखी है, ठीक है, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर ब्रीफली मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया, ठीक है, वहां पे भी जाके देख सकते हो। उसके अलावा अगर ब्रीफली बात करनी हो नोट मेकिंग की, तो भाई सबसे पहले तो जाके जो मैंने 3 वेबसाइट्स बताई हैं, जागरण जोश, अफेयर्स क्लाउड और जीके टुडे, इनमें से जो वेबसाइट अच्छी लगती है उस पे चले जाओ, ठीक है। एंड फिर एक बड़ा सा हमें रजिस्टर लेके आना है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, जितने पार्ट्स होते हैं उसमें डिवाइड करो, और डेट के साथ हमें हर रोज के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 पेन्स यूज करना भाई, हरा पीला नीला मत कर देना अपनी नोटबुक को, ठीक है, तुम्हारा ही टाइम भी वेस्ट होगा और तुम्हारा नुकसान भी होगा, ठीक है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा 2 पेन यूज करना, रेड और ब्लू या फिर ब्लैक, ठीक है, जो तुम्हें भी समझ आए, ठीक है, हमें खुद समझ आना चाहिए हमने क्या लिखा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें भाई कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सी न्यूज हमें लिखनी है कौन सी न्यूज हमें स्किप करनी है, वो मैंने एक एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है उसी पर्टिकुलर वीडियो में, तो उसको जाके देख लेना, ठीक है।
तो गाइस इसी के साथ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आर पर्टिकुलर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, ठीक है। बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ कहीं आ रही होंगी, ठीक है, जो रिसेंटली अपलोड करी हैं वो वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको फ्री कोर्सेज भी चाहिए और अगर आपको प्लस कोर्सेज भी चाहिए, तो जो जितने भी पेड कोर्सेज हैं आप मेरा कूपन कोड AMB05 का यूज़ करके वो सारे कोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।